Assalamualaikum guys, आज हम आए हैं बुखारी कमर्शियल क्लिकी पे, जो कि बर्गर के लिए बहुत ही मशहूर है। अगर आप बर्गर लवर हो तो नो वन इज़ अ बेटर इज अ क्लिकी। معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات. So guys, अभी हम लोग अंदर आ गए और असद भाई जो हैं वो अंदर गए हैं किचन की तरफ। तो अभी मसला सिर्फ सिंपल सा ये है कि यहाँ पे जो है वो सेल्फ सर्विस है, खुद जाके लेना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें लेना क्या है, कौन सा बर्गर खाना है, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारी नई नई चिकन के बर्गर खाने हैं। ये हमारे भाई असल में मसला ये है कि एक कुरंगीज़ा है तो ये अंडे वाले बर्गर खाते हैं, पता नहीं है कौन से बर्गर, तभी इनको खिलाएंगे हम तो फिर पता चलेगा कौन से बर्गर होते हैं। चटनी चटनी और प्याज ये वाले हमारे भाई हैं, कसूर नहीं है, तो अभी हम खिलाते हैं इनको, फिर पता चलेगा सही है भाई कौन सा बर्गर होगा। अंडे वाला नहीं होगा, जो भी होगा अंडे वाला नहीं होगा। हम तो ये फुल अंडा हाफ अंडा ऐसे तो भाई अंडे वाला नहीं है, भाई अंडे वाला नहीं है, ये यहाँ पे होते हैं इटालियंस बर्गर। कौन सा था? इटालियन नॉट पाकिस्तानी, देसी बर्गर ही आप खाते ना अंडे वाले, ये देसी है बर्गर। प्याज वगैरह डाल के और हाँ चटनी वो नहीं होंगे। अभी आप खिलाते हैं फिर आप देखिएगा कि आपके अंडे वाले बर्गर ज़्यादा अच्छे हैं या ये वाले बर्गर अच्छे हैं। इनको बोला टमाटो अलग से डाल दें। चलो अच्छा देखते हैं जुबैर भाई, ये है मेन्यू, आप बताओ क्या खा सकते हो। समझ में नहीं आ रहा, अजीब अजीब शक्ल है इसमें, कोई अंडे वाला तो नजर ही नहीं आ रहा। अंडे वाला नहीं है भाई, अब तुम इसे बताओ ये क्या चीज है। ये यार ये है चिकन बेफल, ये बेफल के अंदर आपको गिफ्ट देंगे बर्गर। ये आदि भाई यही ये वाला खाना यही खाना। अच्छा चले भाई, मैं तो ये जुबैर जुबैर भाई का और मैं खाऊंगा। चलिए पहले भाई प्याज अलग से डलवा, प्याज नहीं होती इसके अंदर, गरीब आदमी। تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفي أهل كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا هات الكف أيا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ميزنا الله بقرآن يعصم. अच्छा अभी हम इनको खिलाने वाले हैं बर्गर, इटालियन बर्गर्स, तो थोड़ी सी बेइज्जती हुई है हमारी उनके सामने, लेकिन कोई मसला नहीं। पंखे नहीं लगाए हुए, ये एयर कंडीशन होते हैं सेंट्रल, ठीक है, इसमें पंखे नहीं लगते। तो ये आप कुरंगी के होटल में नहीं बैठे हुए, मैं यही बोल रहा, इतनी बड़ी शॉप है पंखे नहीं लग रहे इनके। ये भाई सेंट्रलाइज एसी है सारा, इसमें पंखे नहीं होते और सब एसी चल रहा है अभी सर। भाई आज तक अंडे वाला बर्गर खाया था, आ जाती भाई पता नहीं कौन सा बर्गर खिलाएंगे, इंशाल्लाह हम देखा के देखते कब जाए, मेरा बहुत ही अंदर से वो हो रहा है। तो इनको बर्गर खिलाएंगे हम, जब हमने खाया था ना पहली दफ़ा मैकडोनल्ड्स का बर्गर, तो यकीन करो मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैंने बोला क्या बेकार बर्गर, इससे अंडे वाला होता है। लेकिन जब खाता है इंसान यूज टू रहता है, जब पिज़्ज़ा भी हमने खाया था पहली दफ़ा तो हमने बोला ये क्या अजीब सी डबल रोटी आगे दे दी अब बने वाले, लेकिन फिर खाया तो आप वैसा खाते हैं कि वैसे बर्गर होते हैं या बर्गर होता है बर्गर 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 बर्गर
بچپن سے برگر سنا इसको कहते हैं हॉट शॉट कोन, ठीक है। तो इसके अंदर ये चिकन के पीस होते हैं और इसका बिस्कुट भी खा सकते हैं। हाँ बिस्कुट बिल्कुल खा सकते हैं, आप क्यों नहीं खा सकते? बिस्कुट बिस्किट नॉट बिस्कुट। हाँ इसका बिस्किट है ना बिस्कुट, हाँ ये खा सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। और नीचे चॉकलेट निकलेगी इसमें? नहीं नहीं, ये आप कॉर्निटोर नहीं खा रहे। अच्छा मैं बहुत ही देखे गया, कोई आला हो गया, मैं यार वो गिर गया चपड़ा के बाद, आला हो गया मैं, बहुत जबरदस्त। مهما الشر بها قطع معنا نبج حياة جنة تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات. ये वाला बैटल बर्गर अभी भाई बहुत ही ग्लास का बर्गर है ये। मैं तो आज तक अंडे वाला किसी पर कुछ खाया नहीं था और एक अलग ही किस्म का बर्गर है। जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा बर्गर देखा है, वो बहुत भरा हुआ चीज, पता नहीं अंदर क्या क्या इसमें सामान है। चिकन भी बहुत खूब जबरदस्त है। आदि भाई आप चेक करें, बहुत प्यारा है, बहुत मैं चेक करता हूँ, मैं बहुत मजा आया। बाकी में भाई बहुत मजा आया। نحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضعر رسالات تحمل نورا للأجيال ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو ما ونمد يد العون इनका मसाला बहुत जबरदस्त मसाला डाला हुआ है इसके अंदर। और ये वैफल आपने यहाँ खाया ही नहीं पूरा यार। माशाल्लाह मैं घर से वैसे पुलाव खा के आया था, वो फिर भी मैं इतना सारा खा गया खाली जायके की वजह से। टेस्ट बहुत अच्छा है और जगह भी मुझे बहुत अच्छी लगी, बस पंखा नहीं है इधर, अबे एसी है करी चलो खा ही देती है। मेरे साथ अच्छा नहीं हो, मुझे बाजी बोला गया बाहर। हाँ अच्छा, हाँ भाई हम लोग आ रहे थे असद भाई को पीछे एक बच्चे ने बोला बाजी आप पैसे दे दो, देखा तो मैं बाजा था। हमने बोला बाजी नहीं है भाई सेड है। दूसरी मसला ये हो गया, बोला यार जगह से तो भिखारी लग रहा है, बोले मेरे पार्टनर मेरे साथ पार्टनरशिप में आ जाओ। क्या बोला था? मैं जा रहा हूं भिखारी बोला। तो भाई अब तक के लिए इतना ही। और असद भाई आप कुछ कहेंगे? मुझे फ्राइज अच्छे लगे थे और ये ब्रोस्ट। हां और वो कौन है वो कौन? तो हर चीज़ अच्छी थी माशाल्लाह, किसी को क्या चीज़ अच्छा लगा हर एक का अपना टेस्ट होता है। खाली बस मैंने ये खाया इसलिए, आखिर में चॉकलेट ढूंढ रहा था इसमें चॉकलेट नहीं निकली आखिर में। अबे तुम वही हो। तो भाई अभी याद जाते हैं आपसे, तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में अगले हफ्ते इंशाल्लाह। एक मिनट जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, बहुत क्या बताऊँ, बहुत ही